नमस्कार, आपला महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत को बड़ी राहत मिल गई है। मुंबई की अदालत ने संजय राउत के साथ ही उनके करीबी प्रवीण को जमानत दे दी है। संजय राउत को इसी साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि संजय राउत आज जेल से बाहर आएंगे या नहीं। हालांकि संजय राउत को राहत मिलने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर है। अजूनही एवढं सांगेन की खंत या गोष्टीची आहे की हा संजय राऊतांबद्दल एवढंच बोलेन की त्यांनी त्यांना जी शिक्षा झाली आहे ती त्यांच्या त्या पापाची शिक्षा आहे। कारण पक्ष तोंडाने कसा फोडला जाऊ शकतो ह्याचं उत्तम उदाहरण आहे ते। सो त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी हळूहळू घडत गेलेल्या आहेत आणि दोन वेगळे गट झालेले आहेत आणि त्यामुळे उद्धव साहेब म्हणा किंवा शिंदे साहेब म्हणा, आज शिंदे साहेबांनी मला शिवसेनेत आणलं होतं त्यामुळे शिंदे साहेबांबरोबर उभं राहणं हे माझं कर्तव्य। परंतु मॅडम तुम्ही एकत्र म्हणजे ठाकरे आणि शिंदे हे एकत्र यावेळेस तुम्ही साठी प्रयत्न करत होतात आणि अचानकपणे तुम्ही आता शिंदेकडे जात आहात आणि तुम्हाला कोणी वैयक्तिक पातळीवरती खरं तर ठाकरे गटाकडनं काही टीका करण्यात आली आहे का, त्यामुळे तुम्ही पक्ष सोडला? नाही, असं काही नाहीये। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेतले खोके मातोश्रीवर येणं बंद झाल्याची खंत रश्मी वहिनीनं खूप झालेली आहे। त्यात मी एवढं सांगेन की नीलम गोरे म्हणा किंवा सुषमा अंधारे म्हणा ह्या सगळ्या चिल्लर आहेत। ह्यांच्यापेक्षा सगळ्यात महत्वाचा जो दुवा आहे ज्या सगळ्या सूत्रधार आहे तो रश्मी वहिनी आहे। परंतु म्हणजे सर्व करायचा असताना प्रयत्न करत होते दोन्ही गटांमध्ये, हे सगळे शिंदे गटांमध्ये गेलेले आहेत आजपर्यंत, तुम्ही देखील त्याच कारणासाठी की कोणत्या कारणासाठी नेमके जाता? नक्कीच मी त्याच कसं आहे की सलोखा करणं, एक पक्ष फुटणं आणि पक्षामध्ये जी कामं करतात ती कामं करता करता आपण एकत्र राहून कामं करणं, प्रत्येक जणाला वाटतं की आपण कामं केली पाहिजेत। आपण इथे या राजकारणात जेव्हा येतो तेव्हा ते स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी येतात आणि निर्माण करता करता जेव्हा तुम्हाला कळतं की इथे ह्या कारणांमुळे पक्ष फुटीला गेलेला आहे तर मग कुठेतरी वाटतं ना की आपण पण काहीतरी काम करायला पाहिजे। आपण जिथे जी व्यक्ती बरोबर आहे ज्या व्यक्तींबरोबर आपण जायला पाहिजे त्या व्यक्तीबरोबर आपण केलं, एकत्र येण्याचा इतका प्रयत्न केला। पण संजय राउत की जमानत मंजूर होते ही शिवसेना उद्धव गुट की सुषमा अंधरे ने खुशी व्यक्त की है, तो वहीं राउत की रिहाई पर आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है। तो प्रत्येक शिवसैनिक आणि प्रत्येक खरं बोलणारा नागरिक त्याचं स्वागत करतो, पण एक आहे ह्याच्यात एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की ह्या देशामध्ये या राज्यामध्ये हुकुमशाहीच्या दिशेने आपण चाललोय का, हा आपण सर्वांनी विचार करणं गरजेचं आहे आणि हे खूप गंभीर गोष्ट आहे। आपण बघा की जो कोणी ह्या सरकार विरुद्ध बोलत आहे, राज्य सरकार विरुद्ध बोलत आहे, पहिली काही धमकी दिली जाते चौकशी लाव, दुसरी काही धमकी दिली जाते तुरुंगात टाकू, मग कोणीतरी सांगतं आता अमुक तारखेला टाकू, तमुक तारखेला टाकू। म्हणजे जे कोणी राजकीय मंडळी सत्य बोलण्याचा प्रयत्न करत आहेत किंवा कुठच्या तरी विषयाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत किंवा विषय कुठच्या तरी लोकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, सरकार विरुद्ध बोललं की कारवाई होते, यंत्रणा वापरली जाते आणि असंच दबावतंत्र केलं जातं, हे आज राजकीय लोकांवर होत आहे, उद्या तुमच्यावर पत्रकार म्हणून होईल, मध्यंतरी तुम्हाला HMB म्हणून पण कोणीतरी बोललेलं आहे। तर हे वातावरण आपल्या लोकशाहीसाठी आपल्या संविधानासाठी चांगलं नाही आहे। आणि आज महत्वाची गोष्ट म्हणजे आता तोफ पुन्हा एकदा रणांगणात आलेली आहे। राऊतांना जामीन मिळाला, आता तेच सांगितलं मी, मला वाटतं बघा हेच वातावरण। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। नांदेड़ में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जसनगर उन्माद आपको देखने को मिला है। जात पात का बंधन तोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो के नारे से नांदेड़ जिले में हजारों की संख्या में लोग राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च करते हुए दिखाई दिए। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे सोलापुर जिले के दौरे पर हैं। इसी समय सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आदित्य ठाकरे के हाथों शिव बंधन बंधवाया है।
महाराष्ट्रभर जे अन्याय झालेला आहे शिवसेनेवर, ते माझं बालपणापासून शिवसेनेवर प्रेम होतं, त्या प्रेमापोटी भाजपाने महाराष्ट्रभर केलेल्या ह्या अन्यायाला सोलापुरातून मोठ्या प्रमाणात वाचा फोडण्यासाठी आज मी भाजप पक्ष सोडत आहे आणि उद्धव साहेबांच्या उपस्थितीत आज शिवसेनेत प्रवेश करत आहे। उद्धव आदित्य साहेबांच्या युवासेना माझ्याबरोबर 400 ते 500 कार्यकर्त्यांना घेऊन मी आज शिवसेनेत प्रवेश करत आहे। भाजप का सोडली? भाजपमध्ये कुठल्या पदावर कार्यकर्ता होता आणि किती वर्ष झालं ते पदावर आहात? मी तसं 16 वर्ष झाले युतीचं आणि भाजप सेनेचं काम करतोय, पण आजपर्यंत मला एकदाही न्याय द्यायचं काम ह्या भाजपने केलेलं नाही, म्हणून मी आज भाजपचं मी दक्षिण भारतीय आघाडी जिल्हाध्यक्ष पदावर होतो। न्याय म्हणजे काय? स्थानिक नेते, आमदार, दोन्ही आमदार खासदार आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेत नाहीत। निधी आला तर आम्हाला वाटप कुठं करतेत, कुठल्या भागात काम करायचं आहे, आजपर्यंत कधीच विचारले नाही। मग आम्ही कार्यकर्ते कोणाच्या जीवावर, आमचे कार्यकर्ते कोणाच्या जीवावर जगायला पाहिजे? त्या त्या भागातले विकास असतील त्याला निधी आम्हाला विचारून द्यायला पाहिजे, कधीच कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेत नाही। अशा वेगवेगळ्या कारणाने आम्ही आज भाजप सोडलेला आहे। उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेमध्ये तुम्हाला न्याय मिळेल का? 100% न्याय मिळेल। उद्धव साहेब सारखे नेते आज संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही, एवढं संयमी नेतृत्व, शिवसेना ही आग आहे, आग असतानाही उद्धव साहेब ठाकरे हे प्रामाणिकपणे मुख्यमंत्री पदी होते, अशाशी गद्दारी केलेलं आज महाराष्ट्रभर त्यांचं। हाल ही में कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले के विषय में अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर भारी विरोध के चलते उन्होंने माफी भी मांग ली। इस विषय पर लगभग सभी विरोधियों ने अपनी असहमति दर्ज करवाई, लेकिन इस विषय पर विरोधी पक्ष नेता होने के बावजूद अजीत पवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और काफी संयम दिखाया, जबकि सुप्रिया सुले अजीत पवार के रिश्ते में बहन लगती है। उनके संयम की प्रशंसा की है चित्रा बाघ ने। 13-व्या वर्षी मुली वयात यायला लागल्यात, त्यांच्यावर अत्याचार झाले तर त्या 13-व्या 14-व्या दिवशी त्या गरोदर राहतात आणि अशा मुलींवरती मग त्यांच्यावरती उपचार आणि सगळ्या गोष्टी इतक्या भयंकर क्रिटिकल असतात। बुलढाण्याची मुलगी अकोल्याला आणा किंवा अमरावतीला आणेपर्यंत आणखीन क्रिटिकल पोझिशन होऊ शकते, त्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये महिलांचं, विशेषतः मुलींचं, महिला नाही म्हणता येणार, मुलींचं सुधारगृह असावं अशी मागणी आहे। त्याच्यासाठी पुण्याला सँक्शन सुद्धा झालेलं आहे। काही 2-3 गोष्टी आहेत ज्याच्यामुळे ते अडलेलं आहे। या संदर्भामध्ये देवेंद्रजींना आम्ही सांगितलंय येणाऱ्या दिवसात त्याच्या। बता दें कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने महिला विरोधी बयान दिया था, उसके खिलाफ विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने शिकायत की है। अंबादास दानवे ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ अब्दुल सत्तार ने अभद्र टिप्पणी की है, सत्तार ने महिलाओं का अपमान किया है। अब्दुल सत्तार आणि सुसंस्कृतपणा याचं कोणतंही देणं घेणं नाही। अब्दुल सत्तार अजूनही रजाकारी निजामाच्या प्रवृत्तीनंच बोलत असतात आणि म्हणून त्यांच्याकडून याच्यापेक्षा जास्त अपेक्षा काय ठेवणार? स्त्रियांचा सन्मान करणं, स्त्रियांचा मान ठेवणं, एक समाजातील स्त्रियांचं एक वेगळं स्थान आहे त्याची जपणूक करणं, मला वाटतं या सगळ्या विषयाशी अब्दुल सत्तार यांना कोणतंही देणं घेणं नाही। सुप्रिया ताईंचा विषय असं वक्तव्य करणं हा समस्त महिला वर्गांचा अपमान आहे, म्हणून अशा पद्धतीनं अब्दुल सत्तार सारखी जी प्रवृत्ती आहे गुलाब। महाराष्ट्र में नेताओं के विवादास्पद बयान का दौर लगातार जारी है। अब इन बयानों में एक और बयान जुड़ गया है, वो बयान है केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल का। दरअसल भिवंडी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया गया है। कपिल पाटिल ने दावा किया है कि वक्त पर जागे नहीं तो तिरंगे में चांद दिखाई देगा और यदि वक्त पर जाग गए तो चांद पर तिरंगा लहराएगा। मैं ना धर्म की बात करूंगा ना राजनीति की बात करूंगा, मैं महाराज हमेशा कहता हूं जात पात धर्म पंथ इससे ऊपर उठ के अगर कोई है
तो वो इंसानियत का धर्म है। फिर भी एक बात जरूर कहूंगा, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम महाराज जी हमें जगाने आए हैं, हम अगर वक्त पे जाग जाएंगे तो अच्छी बात है। फिल्म हर हर महादेव में इतिहास के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ठाणे और पुणे में सिनेमा घरों में तोड़फोड़ की। इसी मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि कानून हाथ में लेने का किसी को भी कभी अधिकार नहीं है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कानून हाथ में लेने की इजाजत आपको किसने दी? जब आपके पास महाराष्ट्र की सत्ता थी, उस दौरान भी घर पे एक पुलिस कर्मी को ला करके मारपीट की गई थी, ये देश नहीं भूला। खैर, अब महाराष्ट्र में श्रीमान उद्धव ठाकरे जी जैसे खामोश बैठने वाली सरकार नहीं है। जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। बताते चले कि मराठी फिल्म हर हर महादेव पर बवाल लगातार मचा हुआ है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने शो बंद कराने के लिए मल्टीप्लेक्स के अंदर अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर दर्शकों से कहा कि इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी से जुड़ा इतिहास गलत दिखाया जा रहा है, इसलिए फिल्म ना देखें। जय जवान जय किसान संगठन पिछले कई दिनों से मांग कर रहा है कि भंडारा रेलवे क्रॉसिंग से लेकर शीतला माता मंदिर तक रास्ते का सीमेंटीकरण किया जाए। कई दिनों से इस मांग को लेकर संगठन के लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। इसी बात से नाराज संगठन के लोग आगामी 12 नवंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दौरे के समय मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। 43 दिवसापासून जे साखळी उपोषण सुरू आहे खामतलाव चौकामध्ये, या रोडवर 9 लोकांचे बळी गेले म्हणून जय जवान जय किसान संघटना आमचे जिल्हाध्यक्ष सचिन धनमारे यांच्या नेतृत्वामध्ये ते सुरू। आज पत्रकार परिषद घेण्याच्या मागचं कारण असं की प्रशासन आमच्यावर प्रेशर आणण्याचा प्रयत्न करून राहिला आहे की ते ताबडतोब तुम्ही तिथनं उचला आणि तुमचं आंदोलन संपवा। आमचं म्हणणं असं आहे की आंदोलन का बरं संपवायचं? जेव्हा तुमच्या भंडाऱ्याच्या खासदार साहेबांनी असं म्हटलं होतं की मी हे ऑर्डर आणलेलं आहे आणि हे काम पटकन सुरू होणार आहे, पण आम्हाला असं कळलं की डिपार्टमेंटच्या लोकांनी असं सांगितलं की बुवा आता तर जेमतेम काय म्हणतात त्याला टेंडर होईल, टेंडर झाल्यानंतर काम सुरू करू। आता त्यांची फजिती अशी झालेली आहे की मुख्यमंत्र्यांचा दौरा आहे आणि मुख्यमंत्र्यांचा दौरा असल्यामुळे मुख्यमंत्री ज्या रस्त्याने जात आहे, ज्या रस्त्यावर 9 लोकांचे निष्पाप बळी गेलेले आहे, त्याची जिम्मेदारी कोण घेईल? प्रशासन घेईल की मुख्यमंत्री घेईल? आणि म्हणून जर मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब ते यायच्या पहिले जर काम सुरू नाही केलं तर भंडाऱ्याची जनता आणि आमचा जय जवान जय किसान संघटना मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवतील। वेळ पडल्यास मुख्यमंत्र्यांचा ताफा अडवल्याशिवाय राहणार नाही, जेणेकरून इथल्या कानूनी मामलों में बीएससी और एनएससी में लिस्टेड कंपनियों ने करीब 5% खर्च करना कम किया है। मार्च में समाप्त हुए कारोबारी वर्ष में करीब 43,667 करोड़ रुपए 4,170 लिस्टेड कंपनियों ने खर्च किए हैं, जबकि उससे पहले के आर्थिक वर्ष में इन कंपनियों ने 46,060 करोड़ रुपए खर्च किया था। लीगल मामलों में लिस्टेड कंपनियों के खर्च में आई कमी की अलग अलग वजह एक्सपर्ट बता रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1,486 करोड़, इंफोसिस ने 1,261 करोड़, लॉर्सन और टुब्रो ने 912 करोड़ रुपए सन
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने 2023 करोड़ रुपए और फोर्टीज हेल्थ केयर ने 883 करोड़ रुपए लीगल मामलों पर खर्च किए हैं। सबसे अधिक 174 लिस्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कुल मिलाकर 7823 करोड़ रुपए आर्थिक वर्ष 2022 में लीगल मामलों की फीस चुकाने पर खर्च किया है। सुप्रसिद्ध गीतकार हसरत जयपुरी के ग्रैंडसन आदल जयपुरी अपने डेब्यू लॉन्च के मामले पर बता दें आपको कि तैयार हैं रोमांटिक सॉन्ग साजन में। आदल जयपुरी के अपोजिट सोशल मीडिया सेंसेशन कशिका कपूर नजर आएंगी। सॉन्ग का निर्देशन दिव्यांश पंडित कर रहे हैं। इंडी पॉप जिसको बोलते हैं, इंडी पॉप नॉन फिल्म, उस पे आज के टाइम पे जिस तरह से सोशल मीडिया सामने है, हम सबके बड़े बड़े अतरंगी आर्टिस्ट हम सबके सामने आ चुके हैं और हम बहुत बहुत आसान है पहुंच जाते हैं वो हम सब तक। जरूरी नहीं कि आप मुंबई से हो, बहुत अलग अलग जगह से आर्टिस्ट पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि एक सपोर्ट करना और जरूरी है किसी नए म्यूजिक लेबल को, नए चैनल को, और कि और कुछ हो जाए जिसे और आप सब तक पहुंचे। जो प्रोडक्ट है जिसपे हम सब ने पता नहीं कितनी क्या मेहनत की है, कौन कितना लगा हुआ है, वो आप तक पहुंचे। मेरा जो एंड रिजल्ट, मतलब जो मैं सोचता हूँ कि ये यही होना चाहिए इस तरह से कि भाई आप सब तक पहुंच जाए, आप सब तक, आप सब सुन लो उसको। हम सबको यहाँ पे पता है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि क्या कुछ नहीं करना पड़ता है गाना लोगों तक पहुंच जाए, क्या स्टंट होते हैं, कैसे क्या चीजें लोग यूज करते हैं, कितना पुणे की यरवदा जेल में कैदियों में मारपीट हो गई। बता दें आपको कि कैदियों ने एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके। बता दें कि नए और पुराने कैदियों में ये मारपीट हुई है। हालांकि इस मारपीट और पथराव में दो पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए हैं। इस दौरान कुछ कैदियों के भी जख्मी होने की सूचना है। दहिसर से अगली खबर है। बता दें आपको कि दहिसर पश्चिम विट्ठल मंदिर के सामने बंद किए गए पुल के ऊपर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना करीब 12 बजे की बताई जा रही है। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड और एमएचबी पुलिस के जवान तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए थे। बता दें आपको कि फायर ब्रिगेड की मदद से शव को नीचे उतार कर लाया गया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मतदाताओं को जागृत करने के उद्देश्य से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साथ ही बता दें कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस मतदान सूची के प्रति लोगों को जागृत कर जिनका नाम सूची में किसी कारण से नहीं आ सका है, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में डालने के लिए प्रेरित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली का आयोजन अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय से किया गया था। रैली में विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पंडरपट्टे समेत अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। सायकलिंग असोसिएशन अमरावती विद्यापीठ आणि जिल्हा प्रशासन यांनी सर्वांनी मिळून हे जे आजची 9 नोव्हेंबरची सायकल रॅली काढली, त्याच्यामध्ये दोन उद्देश होतं। एक होतं मतदार नोंदणी करावी आणि दुसरं होतं फिटनेस। सायकलिंगमुळे जे फिटनेस सर्वांनी राहायला। मुंबई एमएचबी पुलिस ने फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया है, जो फ्लिपकार्ट कंपनी में रखे महंगे मोबाइल को चुरा कर बेचता था। उसी पैसे से अपनी महिला मित्र के साथ मुंबई के बाहर जाया करता था। मुंबई और गुजरात से अब तक 15 मोबाइल को जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत करीब 6.5 लाख रुपए बताई जा रही है। एमएचबी पुलिस स्टेशन में 1 नवंबर 2022 को फिरियादी नामे अभिषेक साहिल, इन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया था। वो एफआईआर में उन्हें उनकी जो फ्लिपकार्ट कंपनी है
उसमें से बहुत सारे मोबाइल चोरी हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक FIR दाखिल किया था। हमने जब भी उनके कंपनी के CC कैमरे फुटेज जब भी देखे, तभी उसमें वहाँ के जो डिलीवरी बॉय करके काम कर रहे हैं, उन्होंने वो चोरी की है। सर बताया जा रहा था कि ये अपनी को खुश करने के लिए ये चोरी क्या करते थे। हाँ, ये तीन जो आरोपी हमने अरेस्ट किया है, उनका नाम है प्रणव जवल, भूषण गंगन और हितेंद्र राजभोर। इन्होंने ये जो 15 मोबाइल चोरी किए हैं, उसकी कॉस्ट है नियर अबाउट 3,71,000। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये बोला था कि हमें वो मजा करना था गर्लफ्रेंड के साथ, और उसी कारण वो लोग ने चोरी की है। हाँ, सर इन आरोपियों को कहाँ कहाँ से गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में